तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके कैसे क्रिएटिव वे से बहुत ही अच्छी फोटोज निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पोज है उसके अंदर हमें एक सबसे पहले एक ऐसे बच्चे की या जो भी आप बड़े को भी ट्राई कर सकते हो, आपको एक हाइट के ऊपर जाके ऐसे ऊपर से फ़ोटो खींचनी है लाइक दिस टाइप। और ये वाली फ़ोटो को डायरेक्ट यहाँ से पिक्सआर्ट में ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे पिक्सआर्ट में उसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे इफेक्ट्स में जाना रहेगा, इफेक्ट्स में चले जाइए और यहाँ पे फिर फिल्टर्स, फिल्टर्स में जाके यहाँ पे आपको ब्लर, ब्लर में जाके थोड़ा सा उसको ब्लर दे दीजिए, इतना काफ़ी है तो मैं दे देता हूँ। और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा कॉइन की, जो कि आप PNG डाउनलोड कर सकते हो, तो डाउनलोड कर लीजिए। आपको कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो सिंपली वो डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से उसको ऐसे एड फोटो पर जाके ऐसे चिपका देना है। ये कॉइन को मैंने ऐसे ही सेट किया हुआ है ताकि आपको उसको कुछ मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी और आपको सिंपली ये बहुत अच्छा एक इफेक्ट देगा, ओरिजिनल फोटो जैसा लगेगा। तो आप यहाँ पे ये ऐसा कर सकते हो और आप देख सकते हो कितनी आसानी से यहाँ पे ये एक फ़ोटो बन चुका है। तो चलिए अभी बात करते हैं दूसरे पोज की तरफ। हमारा जो दूसरा पोज रहेगा उसके अंदर भी हमें ऐसे एक ये साइड की फ़ोटो लेना है, ऐसा तिरछी, और एक सामने की साइड, दोनों को यहाँ पे पिक्सआर्ट में सबसे पहले ये एक फ़ोटो को ओपन कर लीजिए। ऐसी दो फोटो खींच लेनी है, नॉर्मल सिंपल सी फोटो है, लेकिन हम लोग उनको कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं। अभी जो दूसरा साइड वाला पोज था वो यहाँ से ओपन कर लीजिए एड फोटो पे जाके, और यहाँ पे उसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद उसको सिंपली जितना वाला पहले वाला फ़ोटो था उतना ही कर लीजिए, और उसकी यहाँ से जो ओपेसिटी है थोड़ी सी कम कर दीजिए ऐसे, और यहाँ पे आपको जितना चाहिए उतना रख लीजिए। ये इतना मैं कर देता हूँ। बताना चाहूँगा दोनों फ़ोटो की जो साइज़ है जिस एंगल से ली गई है उतनी ही लीजिएगा, और फिर यहाँ पे उसको इरेज कर दीजिए। बाकी जो इतना सा पार्ट है ये इधर वाला, ये यहाँ से ऐसे इरेज कर दीजिए। और फाइनल फ़ोटो अपने पास कुछ ऐसी होगी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे पोज की तरफ। तो हमारा जो तीसरा पोज है उसके अंदर हमें एक ट्राईपोड चाहिए रहेगा। आप कोई भी छोटा सा एक ट्राईपोड ले लीजिए और यहाँ पे एक ऐसी सिंपल सी कोई भी एक लोकेशन ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ का एक सिंपल फ़ोटो ले लीजिए। और फिर यहाँ पे आपका जो भी मॉडल्स रहेगा उसकी ऐसे अलग अलग टाइप से फ़ोटो ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक बीच में ली है, फिर एक साइड में ली है, फिर ऐसे इधर की साइड में ली है। अभी सब फ़ोटो को क्या करना है कि यहाँ से ऐसे पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। बताना चाहूँगा ट्राईपोड से ही फ़ोटो खींचिएगा ताकि आपका जो आपको एडिटिंग में मगजमारी ना करनी पड़े। और यहाँ पे ऐड फोटो पे जाइए, और फोटो हम लोगों ने अलग अलग एंगल से क्लिक की थी वो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी सिंपली आपको मैं एक ही बता देता हूँ ताकि आप आराम से कर लीजिएगा बाद में उसको, जितनी फ़ोटो है फ़ोटो के अकॉर्डिंग उतनी सेट कर लीजिए और यहाँ पे फिर इरेज कर दीजिए इधर वाला पार्ट। तो आप देखोगे कि सिंपली यहाँ से आराम से वो बंदा आ चुका है। ऐसा करके आप ऐड एक फ़ोटो और मैं आपको दिखा देता हूँ, वापस से ऐड कीजिए, ऐड फ़ोटो कीजिए और जितनी फ़ोटो है उसको फ़ोटो के अकॉर्डिंग यहाँ पे चिपका दीजिए और बाकी जो भी पार्ट है वो यहाँ से इरेज कर दीजिए। तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ही फ़ोटो में कितने सारे बंदे हैं। ऐसा आप करके बहुत सारे फ्रेम बना सकते हो। तो फाइनल फ़ोटो कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसी रहेगी। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसके साथ करना चाहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।